और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के चलते पिछले एक हफ्ते में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि चीन की 80% जनता कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। आपको बता दें, साल 2020 में कोरोना की शुरुआत चीन के ही वुहान लैब से हुई थी और उसके बाद से कोरोना की मार चीन झेल रहा है। लगातार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगे हैं और ऐसे में अब जो चीन की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि चीन की 80% जनता कोरोना से संक्रमित बताई जा रही है। पीएम पीए के एक नंबर पर धमकी भरा फोन आया था। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस बहुत जल्द अब चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जनवरी की किसी भी तारीख को ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खेल मंत्रालय ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियां सस्पेंड कर दी है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 IAS, 4 IPS और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे इंदौर से 1,000 श्रद्धालुओं, जिनका ढोल नगाड़े के साथ में फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर झांकी निकालने के लिए तमाम तैयारियां की चल रही है और गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गणतंत्र दिवस से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जवानों ने गाड़ियों की तलाशी भी ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता आपी गई है। जम्मू के निरवाल में 2 धमाके एक के बाद एक हुए हैं, जांच इसमें तेज हो गई है। मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि दोनों धमाके 20 मिनट के अंदर ही हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के नरवाल में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की है, जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। जवानों ने यहां गुलजारपुरा इलाके में घेराबंदी कर ली और तलाश लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भांगड़ में बमों का एक जखीरा बरामद किया गया है। बम TMC नेता के घर के पास से ही बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों के बीच मारपीट भी हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान भी इनसे जब्त किया गया है। बदमाशों पर